नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सर ने जो प्रेडिक्शंस दिया था, हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी ने जो प्रेडिक्शंस दिया था 2020 से लेकर वो अभी के टाइम पे सच हो रहे, तो वो कौन से प्रेडिक्शंस हैं वो ही आज हम लोग जान लेंगे और देख लेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सन एंटर स्पाइसिस ऑन March 15, 2023 एंड इसके वजह से सैटर्न इज अलोन इन एक्वेरियस विच इज इट्स ओन साइन एंड फॉर दैट रीजन there will be big problems because Saturn जब तक कि फिर से transit नहीं कर जाता March 29, 2025 तक, there will be problems and there will be different type of situations all around the world as predicted earlier in 2020 में ही ये चीज़ predict कर दिया गया था कि नया नया type का you know different issues will come up till 2025 and world will be a place where there won't be any peace. नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे चाइना ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। 2020 में ही चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था। चाइना ने पहले ही बोल दिया था कि चाइना इज अगेंस्ट मीटिंग ऑफ यूएस एंड ताइवान, क्योंकि ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो फिर चाइना के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच क्लेम्स डेमोक्रेटिकली रूल्ड ताइवान एज इट्स ओन टेरिटरी हैज रिपीटेडली वॉर्न्ड यूएस ऑफिशियल्स टू मीट ताशी। चाइना ये पहले से ही वॉर्न करते आया है कि अगर यूएस ऑफिशियल्स ताशी से, मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, उनसे मीट करें तो फिर ये बहुत ही प्रॉब्लमदायक होगा ताइवान के लिए एंड इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये एक्ट ऑफ वॉर जो है ये तभी रुक सकता है जबकि यूएस से हेल्प आएगा उस आइलैंड ताइवान पे। अगर ताइवान पे यूएस हेल्प भेजता है तभी ये जो वॉर है ये बंद हो पाएगा एंड ताइवान विल बी इन सेफ हैंड्स एंड ताइवान विल यू नो बी अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। विद दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे लेटेस्ट इन यूक्रेन। पुतिन विल मूव टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इनटू बेलारूस। ये जो पुतिन का जो डिसीजन है इसके वजह से यूक्रेन ने बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है एंड दे आर गोइंग टू असेंबल फॉर दिस रीज़न बिकॉज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज ड्यू टू असेंबल फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग कॉल बाय यूक्रेन। After Russian President Vladimir Putin revealed plans to place tactical nuclear weapons in Belarus. Next हम लोग बात कर लेंगे 2022 से लेकर 2023 पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। पाकिस्तान में अभी बहुत ही बुरा हालत होके रखा हुआ है। सब जगह में खाने के लिए, तेल के लिए, छोटे छोटे चीज़ के लिए देयर इज क्राइसिस। पीपल आर क्राइंग आउट लाउड, पीपल आर आस्किंग फॉर हेल्प कि ताकि उनको एटलीस्ट बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वो उनको मिल पाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ एन ऑनगोइंग इकोनॉमिकल क्राइसिस एज अ पार्ट ऑफ 2022 टू 2023 पॉलिटिकल अनरेस्ट इन पाकिस्तान। इट हैज़ कॉज सेवरल इकोनॉमिकल चैलेंजेस फॉर मंथ्स ड्यू टू विच फूड, गैस, ऑयल प्राइसेस हैव राइज। पुअर पाकिस्तान इज मूविंग टूवर्ड्स सिविल वॉर एंड पीपल आर क्राइंग आउट टू गिव अस ब्रेड। वो लोग रो रहे, वो लोग बोल रहे कि उनको एटलीस्ट खाना दे दो। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे वो है जो कोविड का केसेस है। फिर से हम लोग देख सकते हैं कोविड का जो केसेस है विच इज़ अराइजिंग। कोविड अपडेट्स इन 2023, इंडिया रिकॉर्ड 3016 फ्रेश केसेस, हाईएस्ट इन नियरली सिक्स मंथ्स। सिक्स मंथ्स में ये सबसे ज़्यादा केसेस निकला है एंड द कंट्री इज कोविड 19 डेथ टोल्स विथ 14 लेटेस्ट फैटलिटीज, 3 रिपोर्टेड बाई महाराष्ट्र, 2 फ्रॉम दिल्ली एंड 1 रिपोर्टेड बाई हिमाचल प्रदेश इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स एंड 8 रिकाउंसिल्ड बाई केरला। ये कोविड का जो केसेस है ये फिर से हम लोग देख सकते हैं कि फिर से लौट के आ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले बोला था कि कोविड जो है ये इट विल बी रिमेनिंग विद अस लाइक एनी अदर वायरसेस एंड इट विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग टिल 2025 तक ये ऐसे ही आते जाते रहेगा। एंड रिसेंटली ये जो पीक देख रहा है ये टाइम है हम लोगों को सतर्क होने का एंड टू मेंटेन द प्रोटोकॉल्स एंड टू मेंटेन सेफ्टी ऑफ आवर सेल्फ, ताकि ये जो कोविड 19 का जो वायरस है ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो एंड वी कैन हैव दिस यू नो कोविड 19 रिमूव्ड वेरी इजीली, ताकि हम लोग अच्छा खाना खा के, अच्छा हैबिट्स लेके, एक्सरसाइज करके हम लोगों के लिए ये जो फेज है बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकता है। तो यही कुछ प्रेडिक्शन हम लोगों ने पहले भी दिया हुआ है जिसका हम लोग अभी फिर से
आपको याद दिला रहे या फिर एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे रहे कि ये हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जो कि अब हम लोग देख रहे ये चीज़ हो रहा है. सो फॉर एनी मोर अपडेट्स एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप वहाँ पे जाके हमारा हमसे कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं. एंड विद दैट आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है कुछ किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पूछ सकते हैं. हम लोग बहुत ही खुश होकर आपको आंसर दे पाएंगे. सो विद दैट आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू ऑल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज यू कैन राइट इन आवर कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.